सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सेना भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की आंच कन्नौज पहुंच गई। शनिवार की सुबह बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम सौरिक के पास एक्सप्रेस वे कट पर पहुंच गया। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भीड़ उमड़ने से प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया। तभी जिला मुख्यालय से अपर जिलाधिकारी गजेंद्र सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार भी सौरिक की तरफ रवाना हुए। इससे पहले छिबरामऊ के उप जिलाधिकारी अशोक कुमार व सीओ शिव कुमार थापा भी दल बल के साथ पहुंचे और युवाओं को मनाने में जुट गए। हाथ में तिरंगा थामे युवा नारेबाजी करते रहे। एक आवाज पर सभी युवा अग्निपथ योजना का विरोध करने लगे। उसी दौरान एहतियात के तौर पर जिले से होकर गुजर एक्सप्रेस वे किनारे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा कोई फालतू में यहाँ प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन बस इसका है कि मेरी बात सुनी जाए। तानाशाही सत्ता है, कुछ भी करना चाहे अपने हिसाब से कर दिया। मालूम था आपको लड़कों का पेपर नहीं हुआ है। जीएसटी किसी को समझ नहीं आई, किसान कानून किसी को समझ नहीं, आज नौजवानों के ऊपर बात कर दी इन्होंने। इससे फायदा क्या मिलेगा देश को, ये बताओ। पहले किसान आया, आज लड़का जाएगा, वो आज जो लड़का सेना के अंदर जाएगा ड्यूटी करेगा। किसान की बस सरकार से हमारी यही मांग करते हैं, मांग है टीओडी को बाजार से टीओडी को बाजार से।